गुड इवनिंग गाइस, आज हम बात करेंगे हाइपोकैल्शियमिया की। तो हमने देख लिया, पहले सोडियम देखा, फिर हमने पोटेशियम देखा। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की, और कैल्शियम में भी हम देखेंगे हाइपोकैल्शियमिया। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो कैल्शियम नॉर्मल लेवल कितना होता है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो 99% आपका कैल्शियम जो होता है बॉडी के अंदर, वो स्केलेटन सिस्टम के अंदर होता है, और 1% आपका अदर बॉडी पार्ट के अंदर होता है। तो ये जो 1% है नॉर्मल लेवल, उसका जो होता है वो होता है आपका 8.62-10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दैट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, 8.62-10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आपको मिलीग्राम में भी पूछ सकता है या फिर मिलीमोल में भी पूछ सकता है। तो मिलीमोल की बात करें तो 2.22-2.6 मिलीमोल पर लीटर। तो मिलीमोल में बात करें तो पर लीटर में बात करेंगे, और मिलीग्राम में बात करें तो पर डेसीलीटर में बात करेंगे। तो 8.62-10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड 2.22-2.6 मिलीमोल पर लीटर, दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। ये क्वेश्चन भी बहुत सी बार आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम। अब अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम बॉडी के अंदर, कैल्शियम का रोल क्या है? तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेता हूँ कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। तो डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है 1000-1500 मिलीग्राम पर डे। ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कैल्शियम का काम क्या है? तो कैल्शियम एक तो ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, क्लियर। दूसरा बोन फॉर्मेशन का काम करता है, बोन को मजबूती प्रदान करता है, बोन फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन। इसके अलावा नर्व कॉन्ट्रैक्शन, नर्व एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व फंक्शन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। नर्व की भी बात करें हम तो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, प्ले टू फेज। तो जो प्ले टू फेज है उसके लिए आपका कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है। तो कैल्शियम आयन प्लेट फेज के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज द मेन फंक्शन, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, बोन फॉर्मेशन हो गया, और नर्व और मसल फंक्शन के लिए आपका कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। अब मैंने आपको बताया नॉर्मल लेवल जितना है कैल्शियम का। तो कैल्शियम की बात करी मैंने, तो जो नॉर्मल लेवल है, ये कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आयोनाइज्ड, दूसरा बाइंड, और तीसरा कंपाउंड। तीन फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है स्केलेटन के अलावा। आयनाइज्ड फॉर्म जो फ्री है, 50% तो आपका आयनाइज्ड होता है और 50% बाइंड एंड कंपाउंड होता है। अब फिर 50% आयनाइज्ड है, 50% दैट मीन्स कि आपका जितना है, जैसे 8.62-10.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो उसका 50% अप्रॉक्स 5 मिलीग्राम पर डीएल आयनाइज्ड होगा और 5 मिलीग्राम पर डीएल बाइंड एंड कंपाउंड फॉर्म में होगा। या अगर मिलीमोल में बात करें तो 2.22-2.6, तो 2.1 मिलीमोल पर लीटर, 2.1 मिलीमोल पर लीटर तो आपका आयनाइज होगा, 2.1 मिलीमोल पर लीटर बाइंड एंड कंपाउंड। तो कैल्शियम टोटली तीन भागों में डिवाइड होता है, आयनाइज, बाइंड एंड कंपाउंड। बाइंड फॉर्म में किसके साथ होता है और कंपाउंड फॉर्म में किसके साथ, तो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो एक तो हुआ आयनाइज्ड जो फ्री, 50% हो गया, और वो है आपका 2.1 मिलीमोल ले लो या 4.3 मिलीग्राम ले लो, ये आयनाइज हो गया। बाइंड फॉर्म में एल्ब्यूमिन के साथ होता है, बाइंड फॉर्म में एल्ब्यूमिन के साथ, और कंपाउंड फॉर्म में, दैट मीन्स बाइंड फॉर एल्ब्यूमिन मतलब प्रोटीन। तो कैल्शियम प्रोटीन के, तो जब भी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तब बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसके अलावा तीसरा है आपका कंपाउंड फॉर्म, जो कि आपका फॉस्फेट, साइट्रेट, कार्बोनेट इन फॉर्म के अंदर होता है। तो साइट्रेट कार्बोनेट फॉर्म, कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इन फॉर्म के अंदर आपका कंपाउंड फॉर्म में होता है। तीन भाग हो गए, आयनाइज्ड, बाइंड एंड कंपाउंड फॉर्म, आयनाइज्ड, बाइंड एंड कंपाउंड फॉर्म। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कि हाइपोकैल्शियमिया क्यों होता है, व्हाट इज द हाइपोकैल्शियमिया। हाइपो दैट मीन्स लो, हाइपो लो, कैल कैल्शियम एंड मिया दैट मीन्स ब्लड, दैट मीन्स बॉडी के अंदर कैल्शियम का लो होना, ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर, प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम का लो होना, दैट इज कॉल्ड हाइपोकैल्शियमिया। दैट मीन्स लेस देन 8.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्शियमिया। 8.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो उसको बोलेंगे अपन हाइपोकैल्शियमिया, या 2.2 मिलीमोल पर लीटर से कम है तो उसको अपन बोलेंगे हाइपोकैल्शियमिया। अब हाइपोकैल्शियमिया क्यों होता है, व्हाट इज द इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्शियमिया। कॉजेज की बात करें तो आप जान सकते हैं लो कैल्शियम, लो कैल्शियम एक ट्रिक है लो कैल्शियम से। अब लो इंटेक, या के दो लो पैराथायरॉइड, एल फॉर लो पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड, ओ फॉर ओरल इंटेक लेस, एंड डब्ल्यू फॉर वन ड्रेनेज। ये तीन कॉज लो की बात करते हैं, तो ट्रिक है इसको याद रखने की, लो कैल्शियम तो लो इन, लो पैराथायरॉइड, ओरल इंटेक और वन ड्रेनेज। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि पैराथायरॉइड और थायरॉइड। देखो थायरॉइड के द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कैल्सिनोनिन, कैल्सिनोनिन जो कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है, डिक्रीज कैल्शियम। और
पैराथायरॉइड से पीटीएच हार्मोन जो कैल्शियम को बढ़ाता है। तो ये दोनों मिलके कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। तो जब भी थायराइड का लेवल हाइपरथायरॉइडिज्म होगा तब हाइपोकैल्सीमिया होगा, और जब भी हाइपरथायरॉइडिज्म होगा तब हाइपरकैल्सीमिया होगा, याद रखना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, तो कैल्शियम के लिए क्या जिम्मेदार, कैल्शियम के लिए आपका हाइपो पैरा थायरॉइडिज्म, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म। एक तो ये हो गया एल फॉर लो पैराथायरॉइड, दैट मीन्स पैराथायरॉइडिज्म, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और हाइपरथायरॉइडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कैल्शियम लेवल को कम करता है, कैसे कम करता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। फिलहाल के लिए आप याद रख लो कि ये जीआई के द्वारा है, एब्जॉर्प्शन कम करके या रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा के या बोन रिसेप्शन को कम करके किसी भी तरीके से आपका कैल्शियम लेवल को रिड्यूस करता है। यस, तो एक तो हो गया। अगला है ओ फॉर ओरल इंटेक। अगर लेस ओरल इंटेक है, लो कैल्शियम डाइट, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका क्या हो सकता है, डब्ल्यू फॉर वुंड ड्रेनेज, स्पेशली जीआई। जब जीआई ड्रेनेज होगा, जीआई वॉश होगा, उस कंडीशन के अंदर कैल्शियम का मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से, जीआई ट्रैक से एब्जॉर्प्शन होता है। तो जब जीआई ट्रैक से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका लो होगा कैल्शियम। अब कैल्शियम सी फॉर सीलियक डिजीज, क्रोन्स डिजीज, इसके द्वारा इनके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का प्रॉपर नहीं होगा। सी फॉर सीलियक डिजीज, क्रोन्स डिजीज, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, कैल्शियम लो होगा। ए फॉर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की बात करें तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कैसे हाइपोकैल्सीमिया करता है, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अंदर जनरली क्या होगा, ग्लूकागोन का लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकागोन क्या करेगा, कैल्सिटोनिन के लेवल को बढ़ाएगा, इंक्रीज कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्शियम को कम करेगा। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से इस तरीके से। ए फॉर एल्किलोसिस भी आपका कैल्शियम लेवल को कम करता है, और मेनली एल्किलोसिस कौन सा कैल्शियम कम करता है, तो आयोनाइज कैल्शियम कम करता है। आयोनाइज कैल्शियम कैसे कम करता है, तो ये क्या करता है, जो आयोनाइज कैल्शियम है, जितना एल्किलोसिस ज़्यादा होगा, बाइकार्बोनेट ज़्यादा होगा, उतना ही जो आयोनाइज कैल्शियम है दैट बाइंड विद द प्रोटीन, एल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाएगा। तो एल्ब्यूमिन से बाइंड होगा, उस कंडीशन के अंदर आयोनाइज कैल्शियम कम हो जाएगा। तो आयोनाइज कैल्शियम कम कैसे होगा, बाय बाइंडिंग विद प्रोटीन। तो ये जितना एल्किलोसिस ज़्यादा होगा उतना ही आपका प्रोटीन से बाइंड होगा, प्रोटीन से बाइंड होगा तो आयोनाइज कैल्शियम कम हो जाएगा। तो एल्किलोसिस कैन कॉज पैंक्रियाटाइटिस, एल्किलोसिस कौन कॉज हाइपोकैल्सीमिया, तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो गया और एल्किलोसिस हो गया। इसके बाद है आपका एल फॉर लो इनटेक हो गया, एल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, दैट मीन्स लैक्टोज जो है वो आपका जो कैल्शियम मिल्क है, मिल्क से कैल्शियम को एक्सेप्ट करता है, तो जब लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा तो मिल्क के द्वारा मिल्क का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, मिल्क का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका कैल्शियम लो होगा, तो लो कैल्शियम। देन योर इनएडिक्वेट विटामिन डी, तो विटामिन डी जो आपका कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, और इनएडिक्वेट विटामिन डी होगा तो उस कंडीशन के अंदर भी आपका क्या होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आई फॉर इंक्रीज्ड फॉस्फोरस में क्या होगा, फॉस्फोरस और कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, ये दोनों वाइस वर्सा हैं, दैट मीन्स अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फोरस कम होगा। तो जब भी हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा बॉडी के अंदर, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोकैल्सीमिया होगा, तो फॉस्फोरस लेवल ज़्यादा, कैल्शियम लेवल लो, तो हाइपरफॉस्फेटेमिया मे लीड टू द हाइपोकैल्सीमिया। यस, इसके अलावा पॉलीयूरिया डायरिया, देन योर मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे आपके एक्सक्रीशन को बढ़ाने वाले, जैसे लूप डायरेटिक्स, आइसोनियाजाइड, देन योर एंटासिड्स, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, ये कुछ एंटासिड्स हैं, आइसोनियाजाइड्स हैं, लूप डायरेटिक्स हैं, ये भी आपके कम करते हैं। इसके अलावा मोबिलिटी कैन डिक्रीज कैल्शियम, देन योर कैफीन, स्मोकिंग, ये आपके क्या करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा। इसके अलावा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन,
तो ब्लड मैसिव आपने देखा होगा, अभी हम जोधपुर में पूछा भी गया था कि पेशेंट है उसको इंजरी है तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो किसकी डेफिशिएंसी होगी, तो उस पेशेंट के अंदर पोटेशियम तो हायर होगा, कैल्शियम लो हो सकता है। तो लो कैल्शियम क्यों होगा, क्योंकि जो साइट्रेट है वो आयोनाइज्ड कैल्शियम से बाइंड हो जाता है, साइट्रेट है वो आयोनाइज्ड कैल्शियम से बाइंड हो जाता है, और साइट्रेट आयोनाइज्ड कैल्शियम से बाइंड होकर क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कम कर देता है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन कॉज हाइपोकैल्शीमिया। तो ये तो बातें हुई कुछ कॉजेज की, जैसे हाइपोकैल्शीमिया, इनएडिक्वेट इनटेक, लैक्टोज इंटॉलरेंस, मालअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, सीलिएक डिजीज, क्राउन डिजीज, इनएडिक्वेट विटामिन डी, स्मोकिंग, देन योर पॉलीयूरिया, डायरिया, एल्केलोसिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म और ड्रग्स, ये सारे के सारे आपके कॉजेज हुए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन 100% छपेगा ही छपेगा, 100% क्वेश्चन छपेगा, ये गारंटी। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक तो पेशेंट की हार्ट रेट डिक्रीज होगी और हाइपोटेंशन होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगी, हाइपोटेंशन होगा, और दूसरी बात क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी फेलियर, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है पेशेंट को, लैरिंगोस्पाज्म हो सकता है, और लैरिंगोस्पाज्म की वजह से भी स्ट्राइडर और स्ट्राइडर की वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में, तो हार्ट रेट डिक्रीज हुई, हाइपोटेंशन हुआ, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, लैरिंगो स्पाजम हुआ, देन योर ट्विचेस, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स आ सकते हैं, ट्विचेस, सीजर, सीजर, हाइपरएक्टिव बवेल साउंड, हाइपरएक्टिव बवेल साउंड, देन योर हाइपरएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, हाइपरएक्टिव DTR, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपर एक्टिव DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये तो क्रैम्स, टिटेनिन पिचेस, सीजर, हाइपर एक्टिव बबल साउंड, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, डिक्रीज हार्ट रेट, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी फेलियर, लैरिंगोस्पाज्म। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट साइन है, एक तो है पॉजिटिव ट्राउसी साइन, पॉजिटिव ट्राउसी साइन। अब ट्राउसी साइन क्या है ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत सी बार आया हुआ है, ट्राउसी, T फॉर टेंशन, टेंशन माने BP, दैट मीन्स बीपी मापते वक्त जो साइन आता है वो है आपका ट्राउसी साइन। जब ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो जब बीपी कप बांधने के 3 मिनट बाद, बीपी कप बांधा उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ाया, जब सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करते हैं उसके बाद कार्पोपेडल स्पाजम होता है, कार्पोपेडल स्पाजम, ब्लड प्रेशर मेजर करने के, सिस्टोलिक प्रेशर मेजर करने के 3 मिनट बाद ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होने की वजह से आपका अल्नर नर्व डैमेज होगी। याद रखना ट्राउसी साइन के अंदर कौन सी नर्व डैमेज होती है, तो डैमेज ऑफ अल्नर नर्व, अल्नर नर्व, अल्नर नर्व डैमेज होने की वजह से कार्पोपेडल स्पाजम होता है। तो कब सिस्टोलिक बीपी कब मेजर करते हैं, तो पेशेंट को बीपी कब बांधा और सिस्टोलिक प्रेशर के लिए कब को इन्फ्लेट करना, कब को इन्फ्लेट करने के 3 मिनट के बाद अगर कार्पोपेडल स्पाजम होता है, ये आपका हैंड के अंदर कार्पोपेडल स्पाजम होता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्राउसी साइन। तो टी फॉर टेंशन, टेंशन से आपको याद रखना बीपी, और डैमेज कौन सी नर्व, अल्नर नर्व, ये याद रखना। नेक्स्ट इज योर ट्वस्टेक साइन, ट्वस्टेक साइन इसको याद कैसे रख सकते हैं, ट्वस्टेक में फेस पे आता है तो इसको सी से याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स जोधपुर के अंदर कि ट्वस्टेक साइन क्या और ट्राउसी साइन क्या, तो इसको याद रखते हैं सी फॉर ट्वस्टेक साइन, सी फॉर फेस, तो आपका फेस में, फेस पर आता है, तो फेस के अंदर क्या होता है, ये आपका ईयर है, ईयर से 2 सेंटीमीटर ऊपर, यहाँ पर आपका टैपिंग करते हैं आप तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ फेशियल नर्व, जिसकी वजह से पिचिंग ऑफ फेस, जिस तरफ टैप करते हैं उस तरफ फेस पिच हो जाता है, मुड़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं ट्वस्टेक साइन। तो These are the two classical sign of hypocalcemia. One is your Traussi sign and another one is your Twostek sign. तो Traussi sign आपका T for tension, BP लेते वक्त, Twostek sign C for face, face पर आता है, और जब आप ear है, ear से 2 सेंटीमीटर ऊपर टैप करते हैं अगर आप, तो जिस तरफ टैप करते हैं उस तरफ फेस टिच हो जाता है, twisting of face, twisting, twist हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं Twostek sign. Right? तो याद रहेगा Twostek sign, Traussi sign, ये दोनों बहुत important. इसके अलावा patient है abnormal bleeding, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर है कैल्शियम, तो क्लॉट नहीं होगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकता है, इसलिए पेशेंट जब भी चले तो, क्योंकि ऑलरेडी बोन भी वीक होगी तो पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर और ब्लीडिंग के लिए असिस्ट करना है ऐसे पेशेंट को। राइट, तो ये तो हुआ आपका साइन एंड सिम्टम्स ऑफ योर हाइपोकैल्शीमिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द लैब इन्वेस्टिगेशंस। लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक तो आप सीरम कैल्शियम लेवल चेक करोगे, इसके अलावा ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस, ईसीजी चेंजेस क्या क्या होंगे, व्हाट आर द ईसीजी चेंजेस फाउंड इन। तो देखो ये तो हुआ आपका नॉर्मल ईसीजी, अब इसके अंदर होगा आपका प्रोलॉन्ग ST एंड प्रोलॉन्ग QT, प्रोलॉन्ग ST, ये आपका ये प्रोलॉन्ग ST, तो प्रोलॉन्ग ST हुआ ये ST सेगमेंट, तो ये आपका QT भी प्रोलॉन्ग होगा, तो प्रोलॉन्ग ST एंड प्रोलॉन्ग QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग ST एंड प्रोलॉन्ग QT इंटरवल,
दैट इज, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैल्सीमिया के दो साइन मिलेंगे, दो इसी चेंजेस मिलेंगे, प्रोलॉन्ग एस टी एंड प्रोलॉन्ग क्यू टी. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया. तो मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना है, पेशेंट को स्लो कैल्शियम देना है, कैल्शियम स्लो, कैल्शियम इन्फ्यूज करना है, लेकिन कैल्शियम कौन सा, नॉट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकोनेट. वी आर इन्फ्यूजिंग कैल्शियम ग्लूकोनेट. अब कैल्शियम ग्लूकोनेट इन्फ्यूज तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट को NSS के साथ डायलूट करना है. कभी भी कैल्शियम ग्लूकोनेट को NS के साथ डायलूट नहीं करते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर डायलूटिंग द कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट को डायलूट करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, तो दैट इज योर D5 नॉट NS. अब NS क्यों नहीं है, D5 क्यों है, तो NS क्या करता है, कैल्शियम के रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है. इसलिए हम कैल्शियम को डाइल्यूट करने के लिए हम NS नहीं लेते हैं, इंस्टेड ऑफ NS वी आर यूजिंग D5. 5% डेक्सट्रोज यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर कोई पूछे आपको तो यू हैव आंसर, वी विल नॉट यूज NS फॉर डाइल्यूटिंग कैल्शियम, वी विल यूज ओनली 5% डेक्सट्रोज अनटिल अनलेस नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, राइट, बिकॉज NS इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम. तो जितना आप कैल्शियम दोगे और कैल्शियम बाहर निकल जाएगा अगर NS से डायलूट करोगे तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होगा. यस, दूसरी बात, कैल्शियम जब दिया जाता है तो मॉनिटर पेशेंट फॉर डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी. याद करो जब मैंने बताया था हाइपर कैल्शियमिया मे लीड टू द डिकॉक्सिन हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपर कैल्शियमिया. तो जब भी कैल्शियम एडमिनिस्टर करेंगे मॉनिटर पेशेंट फॉर डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी, तो पेशेंट को डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए मॉनिटर करना है. देन कैल्शियम एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट को तुरंत उठा नहीं देना है, उसे सुपाइन पोजीशन में लेटे रहने देना है. क्यों, बिकॉज पेशेंट में हैव पोस्टुरल हाइपोटेंशन. कैल्शियम एडमिनिस्टर होने के बाद पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, इसलिए हमें पेशेंट को तुरंत ही उठाना नहीं है, उसको थोड़ी देर सुपाइन लेटे रहने देना है. तो याद रखना कैल्शियम के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, जब कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाए रखना है, डिकॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए मॉनिटर करना है, राइट, और NS यूज़ नहीं करना, D5 यूज़ करना है, और इसके अलावा यस. तो ये बातें हुई आपकी कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेशन. हाँ, एक और बात, कैल्शियम को कभी भी हम नॉर्मल लाइन से नहीं देते हैं, इसको हमें सेंट्रल लाइन से ही देना है. ये एक्स्ट्रा वैसेशन कर सकता है, साथ साथ फ्लेबाइटिस भी हो सकता है, इसलिए पेशेंट को कैल्शियम भी हमें सेंट्रल लाइन से ही देना है. यस, तो ये हुआ आपका. इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्स, क्योंकि विटामिन डी सप्लीमेंट देंगे तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा, तो विटामिन डी सप्लीमेंट देना है. कैल्शियम रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट, राइट, कैल्शियम रिच डाइट देनी है. तो ये हुआ आपका मैनेजमेंट ऑफ हाइपोकैल्शियमिया. यस, इसके आगे अपन नेक्स्ट देखेंगे हाइपर कैल्शियमिया, वो लेकिन अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यस, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल वनेश सुथार. कोई डाउट हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9001289663. थैंक यू सो मच गाइज़.